अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आज हम अपने घर पे ही मौजूद हैं और मैं भी आपको एक टमाटर का पौधा दिखाता हूँ अपने सामने। इसकी जो साइड शूट्स हैं, मैं इसको सिंगल स्टेम ट्रेन करना चाह रहा था, तो इसकी जो साइड शूट्स हैं उनको काट के, तो ये मैंने कुछ पीछे गमले में छपनी बनाई हुई जो कंपोस्ट है मेरी, वो मैंने इतनी भरी है, वो साइड शूट्स इसमें लगाएंगे और इंशाल्लाह वो सब अल्लाह ने चाहा तो प्लांट्स बनेंगे एंड दोज विल बी फ्री प्लांट्स। ये वो पौधा है माशाल्लाह टमाटर का, बहुत हेल्थी प्लांट है। आप शाइन देख सकते हैं इसके पत्तों पे कैसी है माशाल्लाह से। तो जब हम सिंगल स्टेम प्लांट की बात करते हैं तो आप नीचे से देख सकते हैं एक सिंगल स्टेम इसका जा रहा है और हर जगह पे जहाँ पे पत्ता निकलेगा उसके साथ एक और शूट निकलेगी, साइड शूट, जिसको हमने बड़े आराम से तोड़ लिया है। इसके ऊपर ये जितने हेयर हैं ये सारे पोटेंशियल जो हैं रूट बन सकते हैं और इसके साथ आपको यहाँ पे नोड्स भी छोटे 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 दाने से नज़र आ रहे होंगे, वो सारे जो हैं ये पोटेंशियल है इनमें कि ये उस नया प्लांट बन सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम करते हैं या जो मैं एडवाइस करता हूँ वो ये है कि प्लांट को तोड़ते ही या अलहदा करते ही उसके जितने ज़्यादा से ज़्यादा पत्ते आप तोड़ सकें उन्हें तोड़ के अलहदा कर दें, क्योंकि पत्ते जो हैं वो कॉन्स्टेंटली मॉइस्चर ले के प्लांट से हवा में छोड़ रहे होते हैं। लिहाजा चूँकि अब जो प्लांट है आपका या जो कटिंग है आपकी उसकी वाटर सप्लाई जो है वो उसकी रूट्स नहीं है जो उसको पानी सप्लाई कर सकें, तो वो प्रेशर जो है उसको जितना कम किया जा सके उतना ही बेहतर है पौधे पे। अब नेक्स्ट, ये आज थोड़ा सा वैसे हम अंगूर की प्रूनिंग की थी, उसकी स्टिक्स पड़ी हुई हैं इधर उधर, नेक्स्ट मैं इन्हीं स्टिक्स की मदद से एक डीप होल कर लेता हूँ इसमें और जो कटिंग मैंने उसकी ली है साइड शूट की उसको इसमें रख के अच्छी तरह से प्रेस कर दूँगा। अब इसको मैं छांव में रख दूंगा जहाँ पे इस पर बहुत ज़्यादा धूप ना आए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना आए और इसको पानी दूंगा। आई विल गो हेड और इसमें और जो शूट्स निकल रही हैं प्लांट पे उनको भी अलहदा करके तो मैं पॉट्स में लगाता हूँ। ये वो टमाटर का पौधा है और जहाँ से भी लीफ निकल रहा है उसके साथ से एक और स्टेम निकलता है हमेशा। ये देखिए, ये यहाँ पे है, यहाँ पे छोटा है, आगे ऊपर जाके यहाँ पे भी छोटा सा एक निकल रहा है और आगे भी निकल रहा है हर जगह पे। तो हमने पांच जगह से उसके लीव्स के साथ, लीफ के साथ जहाँ से वो निकल रहा था, 1 2 3 4 5 वो जो स्टेम है उसको तोड़ लिया, उसके पत्ते हमने थिन आउट करके और वो हमने पांच पॉट्स में यहाँ पे लगा दिए। अब इसको अच्छी तरह से पानी दे देंगे और इनको साए में रख देंगे। नेक्स्ट हम इसको सीधा ट्रेन करेंगे और नीचे वाले जितने लीव्स हैं ना ये सारे काट देंगे ताकि स्टेम जो है खाली हो, नीचे से हवा फिरे और इस पे फंगस का और बीमारियों का अटैक होने का चांसेस जो हैं वो कम हो जाएं। सो I'll update that when I get around to doing that. Inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.